ये व्लॉग लास्ट व्लॉग का कंटिन्यूएशन में है क्योंकि व्लॉग बहुत लंबे हो रहे थे इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग साड़ी वगैरह का शॉपिंग करके आए थे, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया सब लोगों ने मिलके, और आपको पता है कि मेरे ससुराल से जो हमारे ताऊ जी हैं भाभी हैं वो आए थे, और बस उनको सबको लंच कराया, हमने लंच किया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो पैकिंग थी वो सब हमने किया कल के लिए, मैंने आपको दिखाया था ना, और उसके बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि इवनिंग में ना डेकोरेशन के लिए आने वाली है टीम, मैंने उनको बुलाया था, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। आई होप आप ये वाली जो सीरीज है वो एंजॉय कर पा रहे होंगे, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके साथ ईच एंड एवरी मोमेंट मैं शेयर कर पाऊं, क्योंकि अगर व्लॉग भगा भगा के शेयर करूंगी तो फिर वो मजा भी नहीं आता, और फिर लोग कंप्लेन भी करते हैं कि आपके व्लॉग बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, आप भगा भगा के शेयर कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार टाइम लेके ना एक एक व्लॉग तसल्ली से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। डेकोरेशन कराने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा फेस सुधार लिया है क्योंकि अभी और भी गेस्ट आने वाले हैं ना, मामा जी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो माता की चौकी के लिए क्लब हाउस में डेकोरेशन होगी, उसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। चलिए चलो ऑल द बेस्ट बोलिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अभी ये सब चीज़ों को लेकर ना, कैसा रहेगा क्या रहेगा जो भी है। हेलो, कैसे हो मनीषा? यही टीम ना बर्थडे के वेन्यू पर डेकोरेशन करने वाली है, और इनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग सोसाइटी में आके भी क्लब हाउस में डेकोरेशन कर देना, क्योंकि इनके पास ना टाइम नहीं था और बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग सिंपल वाला डेकोरेशन कर देंगे। मैंने काफी कुछ भेजा था तो बैकड्रॉप इन्होंने डेकोर कर दिया था और टेबल वगैरह मैंने डेकोर कर दी थी, इसीलिए मैंने आपने देखा था ना आज दोपहर को मैं वो स्कर्ट वगैरह वो मतलब श्यामाने की शॉप से टेंट हाउस से चीजें मांग रही थी, इसीलिए तो इन्होंने बस बोला कि ये मेरे लिए इजी रहेगा, जो बैकड्रॉप है ना वो हम कर देंगे, बाकी और उतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा। तो हालांकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं मतलब अकेले सब कैसे कर पाऊंगी, लेकिन इनकी टीम ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, फिर मैंने बहुत ज्यादा कुछ रखा भी नहीं और सिंपल सोबर सा ना आउटकम मतलब बहुत अच्छा भी आया है, क्योंकि ये जो कलरफुल चीजें थी ना, ना लंबाई में बैकड्रॉप में ये बहुत मुझे सिंपल सोबर यही अच्छा लगा, हालांकि चौकी में ना बहुत अच्छा फीलिंग आया। तो आप लोग आउटकम देखेगा, आप लोग को भी आई होप कि अच्छा लगेगा, और ये जो हॉल है ना इसका पूरा लुक ही मतलब अभी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये भी अच्छी लग रही है, हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इनसे जो अपना फोटो दिखाया था इन्होंने मुझे अभी सरप्राइज रखा है, वो नहीं दिखाया कि मैडम आपको कल वहीं दिखाएंगे, बट आई एम श्योर कि आई ट्रस्ट हर कि बहुत अच्छा किया होगा, तो कल आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे पसंद आई ना, शी इज वेरी हम्बल और ऑलवेज शी इज वेरी पोलाइट, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। जनरली क्या हमने ऑब्जर्व किया है कि जो डेकोरेटर्स जो होते हैं बाकी हमने बाकी भी देखे हैं रिवर्स और कनिंग और रोड की वो अच्छा लगा कि रेड कलर का ठीक चूज किया, इसमें येलो भी था बट मुझे लगा रेड ज्यादा पॉपअप होगा, है ना, रेड ज्यादा पॉपअप होगा, तो वही मुझे लगा कि हाँ ये
फाइनली मनीषा ना डेकोरेशन करके मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करके निकल गई थी। बाकी ये सब कर्टेन वगैरह बाहर जो गार्डलैंड्स वगैरह ना वो हम लोगों ने लगा ली थी क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उनको वापस वेन्यू पे जाना था किसी और बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन करने के लिए। तो टेंट हाउस से ना हम ये दरी और बहुत सारी चीजें लेके आए थे ना यहाँ पे बिछाने के लिए। चेयर ऑलरेडी क्लब हाउस में थी और क्लब हाउस भी ना हमारे यहाँ पे बुक कराना पड़ता है पहले ही। तो ये देखिए जो भैया हैं बाहर वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे आई क्लटर बहुत ज्यादा था, वो सब चीजें मैंने उठवाई कि हम इनको किसी सेफ जगह रख देंगे तो थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और ये हमारी माता की चौकी के लिए ना ये जो हॉल था वो इनफ था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि आने वाले ब्लॉग में आप ये सब चीजें देखेंगे। तो भाभी भी नीचे आ गई थी कि मैं मतलब आपकी कुछ हेल्प करा देती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मिलकर दरी वगैरह चेयर वगैरह सब कुछ ठीक कर देते हैं क्योंकि फिर अभी सब काम हो जाएगा ना, तो हम लोग मतलब अब आएंगे नहीं वेन्यू पे, हम कल मॉर्निंग में ही आएंगे। और कल के लिए मैं कोई भी काम छोड़ना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी रहेगा। अभी इवनिंग में भी ना मामा जी लोग आने वाले हैं, काफी गेस्ट आज आ जाएंगे तो फिर ना वो हो नहीं पाता और फिर अपना मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट भी तो करना है ना इसलिए। डेकोरेशन वाले तो अपना जो सेटअप है ना वो ये करके चले गए हैं और हॉल बहुत सुंदर लगा है ये, मतलब हमने अपना पर्सनलाइज सब कराया है। और अभी यहाँ पे ना जो दरी है वो बिछाएंगे सबके बैठने के लिए और इधर हमने जो चेयर है ना वो अरेंज कर दी है सब, तो इधर सब चेयर्स आ गई और इधर बस हम बैठने का क्योंकि हम ना जो रूम है वो लॉक करके चले जाएंगे है ना भाभी, क्योंकि अपने चाबी लेके जाएंगे लॉक करके। हाँ अभी अपना बस हाँ वो लगाएंगे क्योंकि हम सुबह फिर अपना फ्री रखेंगे कल का पूरा दिन क्योंकि अब बहुत हो गया काम, अब जो रहेगा रहेगा जैसा रहेगा। अपनी तरफ से तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा करने का कोशिश किया है मैंने, पिछले 2 महीने से लगी हूँ सब लोगों से घूमने फिरने में सब करने में, डिटेल तो आपके साथ में शेयर करूंगी सब चीजें। तो चलिए पहले हम ये कर लेते हैं फिर एक फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ सबको। बताओ सौरभ कैसा लग रहा है? तो कौन लिखेगा, कैसे लिखेंगे निकालो देख लो, जय माता दी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ लिख दो, हाँ ठीक है ये अपने सामान ले लो ये। अब फिर कब आओगे? कल आ जाऊंगा। जैसे लग रहा था लगी क्या? कोई बात नहीं आ जाओ। भैया देखो जा रहे हैं होटल में क्योंकि भैया को फीवर हो गया और भैया बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी और का ना हो जाए, तो इसीलिए भैया ने अपने लिए होटल बुक करा दिया है और यहाँ पर भैया जा रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इसका हाथ पकड़ लेना। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि इतना मेहनत से मैंने फंक्शन किया और बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी।